नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल स्केच रूम में। और आज अपनी बहुत मेन थिंग देखने वाला है आईलैशेस। आईलैशेस कैसे वर्क करता है, तो आईलैशेस में मैंने जो भी मटेरियल यूज़ किया है वो सिंपल मैंने पहले बताया। मैं स्टेनलेस का बॉक्स यूज़ करता हूँ, स्टेनलेस के पेंसिल यूज़ करता हूँ, उसके बाद पेंसिल स्टम्प्स यूज़ करेंगे अपने। और ये एक न्यू थिंग है, इसको स्टेनलेस का ट्रैपलेस बॉक्स बोलते हैं, 850 का बॉक्स है ये पूरा। इसमें आपको मिलता है एक ब्लैक पेन स्टेनलेस का, ये बॉल पेन है, एक स्टेनलेस की मैकेनिकल पेंसिल 0.5, ये चीज़ अपन यूज़ करने वाले। स्टेनलेस का 0.2 का पेन है, ये कौन सा भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी क्या, ये ब्लू पेन है 0.2, वो भी एक ब्लैक पेन है, यस रोल पेन है ये। और ये हाईलाइटर, बस अपन इसमें से एक ही चीज़ यूज़ करने वाले, ये है ये पेन ब्लैक पेन, जिसकी नीब आप देख सकते बहुत ही बारीक नीब है 0.2 वाली। तो चलिए तो गाइस, आप जो अभी देख रहे हैं वो मैंने ड्रॉ किया था कुछ दिन पहले, मेगन फॉक्स का स्केच है ये। मैं इसे पूरा करने वाला अभी, आप एक सैंपल के तरफ से देख लीजिए किसे ड्रॉ कर किया था नहीं है। तो चलो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपन। तो पहले आपको जो डोंट डूज और डोंट से वो बताता हूँ, क्या आपको करना है क्या आपको नहीं करना है। तो आईलैशेस ड्रॉ करते वक्त ये कभी मत करना, अपने को एक आई रहता है उसका एंगल रहता है, ये उसके एंगल के अनुसार ऐसे ड्रॉ करना है अपने को, ठीक है। याद रखिए, आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये कर्व ऐसा रहेगा, फिर ये ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है। अभी मैं पेंसिल दूसरी यूज़ कर रहा हूँ इसीलिए, तो मैं एक सिंपल आई निकालता हूँ। ठीक है, ये अपना सिंपल आया हो गया। ठीक है, तो अभी अपन पहले जो यूज़ करने वाले हैं तो वो है, मैं HB पेंसिल यूज़ करूँगा। पहले HB पेंसिल लीजिए, वो देखिए, मैंने आपको ये एक फार्मूला बताता हूँ, उस फार्मूला ने एक ट्रिक बताता हूँ कैसे करने का ये। तो ये अपना आया हो गया, पेंसिल को यहाँ दबाइए ऐसे छोड़िए, दबा के छोड़िए, दबा के छोड़िए, दबा के छोड़िए, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि हर लैश उस एग्जैक्ट साइज़ का होना चाहिए, कुछ लैशेस बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, वो अपन बाद में करेंगे। तो अपना ये आया हो गया, तो मैं सीधे इस पे जाता हूँ। ये देखिए, अभी यहाँ का जो पार्ट रहता है अपने आय का, जहाँ ये ऐसा आता है, इस साइड का आय का इधर आएगा, ये इस बाजू में आएगा, इस साइड का आय का इधर आएगा। तो याद रखिए, यहाँ हमेशा हेयर्स ज़्यादा निकालने और यहाँ का कर्व बड़ा रहना चाहिए। तो जैसे अपन आगे जाएंगे, यहाँ आय ऐसे स्ट्रेट रहेंगे, थोड़ी से ज़्यादा नहीं, पर आपको कर्व देते रहना है, ठीक है। और ये ऐसा हो गया अपने आई लैशेस हो गए। अभी जैसे अपने को पेंसिल स्टम्प्स लेने हैं और इसका जो ऊपर का भाग रहता है ये, इसको ब्लेंड कर देना है ठीक से। और फिर अपन यूज़ करेंगे 6B। ठीक है, देख सकते हैं, अभी नीचे के जो अपन आई लैशेज ड्रॉ करेंगे, ठीक है, नीचे के जो आई लैशेज ड्रॉ करेंगे अपन, तो वो एकदम लाइट रहने चाहिए, इसीलिए मैं 2B यूज़ करूँगा पहले। और इसको एक थिन लेयर निकालूँगा इधर, और फिर इसको सिर्फ ऐसे करना है आपको। ज़रूरी नहीं कि अभी ये आई लैशेज बड़े होने चाहिए, आप इसको छोटे भी निकाल सकते हैं जैसे आप चाहें। ठीक है,
इसे ठीक से ब्लेंड कर देना। तो गाइस होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।